जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 17 जनवरी 2021 दिन है रविवार। मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को दी 873 करोड़ की सौगात। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सिंगरौली पहुंचकर जिले के चौमुखी विकास का न केवल वादा किया बल्कि 873 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर वे कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। कहा कि कांग्रेस ने 1.25 साल के कार्यकाल में गरीबों की सारी योजना पर ताला जड़ दिया था, लेकिन मैंने वापस लौटते ही उन्हें फिर से चालू किया। अब सिंगरौली सहित राज्य के हर वर्ग के बच्चों, महिलाओं, युवाओं के विकास के लिए काम होगा। हर परिवार को 2024 तक पक्का मकान और हर घर में टैप वाटर उपलब्ध होगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपराधियों हर तरह के माफियों को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये अपराधी और माफिया या तो मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या जेल में होंगे। सीएम ने कहा कि शिवराज आमजन के लिए मुलायम और अपराधियों के लिए खैर बनके टूटेगा। हर गरीब को, हर सामान्य जन को उसका हक मिल के रहेगा। कई योजनाएं शुरू हो चुकी है, माफिया के खिलाफ अभियान चालू है। कई भू माफियों की अट्टालिकाएं गिरा दी गई है, ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा बच्चों को नशे की लत लगाने वाले बक्से नहीं जाएंगे। महिला, माता बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इन सभी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बच्चों को नशे की आदत लगाने वाले, बहु बेटियों संग असली हरकत करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पीईबी द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगी। विभाग द्वारा कुल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 6 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीईबी द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के नए जारी कार्यक्रम के अनुसार आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तारीख 4 फरवरी तक है। पीईबी ने आवेदन संबंधित समस्त जानकारी अपने पोर्टल पर अपलोड भी कर दी है। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर फॉर्म और दस्तावेज अपलोड करने में समस्या नहीं होगी। इसके अलावा विभाग ने मॉक टेस्ट पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। इस परीक्षा के जरिए 4200 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब की हाल में ही पंजीयन शुरू होने के एक दिन पहले 7 जनवरी को पीईबी ने पंजीयन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। हालांकि अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने सहित अन्य मांगों को अभी भी नहीं माना गया। ये परीक्षा 6 मार्च को होगी। जी हां दोस्तों, परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए सुबह 7 से 8 बजे तक अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय है। परीक्षा 9 से 11 बजे तक होगी। वही दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग समय है। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा का समय है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री की मंशा पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं अफसर, जल्द हो सकती है बड़ी सर्जरी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में जल्दी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार काम को अंजाम न देने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसमें कई जिलों के एसपी और कलेक्टर बदले जा सकते हैं। मुरैना में हुई घटना को लेकर सीएम की नाराजगी के बाद एसपी और कलेक्टर को बदला गया था। सूत्रों के मुताबिक परफॉर्म न कर पाने वाले अफसरों की सूची तैयार कर ली गई है। जी हां दोस्तों, उपचुनाव निपटते ही सीएम शिवराज ने लगातार बैठक कर अफसरों को अपराधियों, माफियों के विरोध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इनमें फर्जी चिटफंड कंपनी, नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के निर्देश दिए थे। सीएम सार्वजनिक मंचों से माफियों को बर्बाद करने की चेतावनी देते रहे। इसी बीच मुरैना में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना से शिवराज बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम के सख्त तेवरों के बाद भी माफियों और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को ठीक तरीके से अंजाम न देने वाले मैदानी अफसरों को सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है। निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। वही इसके पीएस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य शासन के द्वारा बयान किया जाता है। वही राज्य शिक्षा आयुक्त ने अब निजी स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति मामले में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अब विभाग बिना सत्यापन के सीधे खातों में पैसा डाले। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी में हुई क्षतिपूर्ति को देखते हुए निजी स्कूलों को ये विशेष रियायत दी जा रही है। जी हां दोस्तों, राज्य शिक्षा आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना महामारी में विशेष रियायत देते हुए विभाग द्वारा बिना सत्यापन के निजी स्कूलों के खातों में पैसे दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य शिक्षा आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सत्र 2019-20 में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की संख्या और निजी स्कूलों द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली फीस के प्रति छात्र 5116 की राशि, इनमें से जो भी कम हो, इसको मान के पात्रता दी जानी चाहिए और इस संबंध में गैर अनुदान और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अग्रिम रूप से 20% राशि फीस प्रतिपूर्ति की जाए।
जीतू पटवारी सहित 50 कांग्रेसियों के खिलाफ FIR। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की मुसीबत बढ़ सकती है। शुक्रवार को तेजाजी नगर थाने क्षेत्र में किसान आंदोलन में समर्थन में कांग्रेसियों द्वारा चौराहे के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सदाशिव यादव, दौलत पटेल समेत करीब 50 कांग्रेसियों को धारा 188 और धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 3 महीने पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले 3 विधायक पार्षदों समेत 200 लोगों के खिलाफ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। जी हां दोस्तों, बता दें कि ऐसे कानून के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण तेजाजी नगर चौराहे पेट्रोल पंप के पास 2 घंटे तक बंद रही सड़क पर ट्रैक्टर खड़े थे और बीच सड़क में नेता कार्यकर्ता बैठे थे। 2 घंटे तक भाषण देते रहे केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की टीम कल संभालेगी कार्यभार। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष रविवार 17 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। इसके स्वागत के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह 10:30 होगा। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा दोपहर 3:30 पदाधिकारियों व मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस समारोह के लिए प्रदेश कार्यालय के सामने बड़ा मंच बनाया जा रहा है ताकि सभी पदाधिकारी एक साथ बैठ सके। इसके पहले कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का पदभार समारोह पूर्व ग्रहण नहीं कराया। दरअसल 4.5 साल बाद प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव हुआ जिसमें 40 में से 29 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कार्यकारिणी में इससे पहले भी चेहरों को लिया तो जाता रहा लेकिन अधिकतर पुराने पदाधिकारियों को फिर से जगह दी जाती रही। यही वजह कि नए पदाधिकारियों के पदभार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसान आंदोलन और कोरोना टीकाकरण को लेकर सिंधिया ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, देर रात ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना महा टीकाकरण अभियान की तारीफ की। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका पालन करना सबका दायित्व है। जी हां दोस्तों, ग्वालियर रेलवे स्टेशन में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित में निर्णय लेती है। ये जो 3 नए कृषि कानून पारित हुए हैं वे किसानों के हित में है। इस कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका पालन करना आपका, हमारा और सरकार का, सभी का दायित्व है। जी हां दोस्तों, सिंधिया ने कोरोना टीकाकरण अभियान पर खुशी जताते हुए कहा कि ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आप सभी मास्क पहने हुए अगले 3 महीने का समय शेष बचा है तो बचे रहे। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। ये वैक्सीन सबकी सुरक्षा के लिए, इस वैक्सीन को लगाने से हजारों जाने बचेगी। भारत ने जो कदम उठाया वैक्सीन की पॉलिसी को लेकर सभी का वैक्सीनेशन हो, ये विश्व का एक अद्भुत कार्यक्रम है। किसानों के लिए शिवराज सरकार की यह बड़ी योजना मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, देश भर में किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही। अब उद्योगनिक एवं खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जी दोस्तों, दरअसल उद्योगनी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विभाग के अधिकारियों को इसी महीने से फूड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि हाल में ही मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में 4 वर्षों के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए राशि का अनुमोदन किया गया था जिसमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट में 40% खर्च करेगी। वही इस योजना का लाभ उठाने की फसलों के उत्पादन से जुड़े 1 लाख लघु किसान परिवार को, जिससे प्रदेश के 1 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। कम हुई ठिठुरन, भोपाल में 2 दिन में 5 डिग्री उछला पारा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आसमान साफ रहने और हवाओं का रुख बार बार बदलने से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा। इसी क्रम में 2 दिन में भोपाल का अधिकतम तापमान लगभग 5 डिग्री बढ़ गया। इससे धूप में तल्खी महसूस होने लगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि तेलंगाना और उसके आसपास एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से हवा का रुख बार बार बदलने लगा है। शुक्रवार को सुबह के समय कुछ समय के लिए हवा का रुख उत्तर पूर्वी से बदलकर दक्षिण पूर्वी हो गया था। इससे अरब सागर से कुछ नमी मिलने लगी थी, इससे अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। हालांकि शाम के समय हवा का रुख फिर उत्तर पूर्वी और उत्तरी हो गया था, इससे वातावरण में फिर सिरन बढ़ गई है। शुक्ला के मुताबिक अभी तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही, लेकिन सोमवार से रात के तापमान में तेजी से इजाफा होने लगेगा।
स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण गर्व का विषय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण और उसका प्रयोग गर्व का विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही यह परिणाम है। आज से देशवासियों को इस मेड इन इंडिया वैक्सीन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। सच ही कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमीदिया अस्पताल के कोविड ब्लॉक एक में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में अमेदिया अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय श्री संजय यादव को प्रथम वैक्सीन लगाया गया। प्रथम चरण में प्रदेश में आज 2,25,000 टीके लगाए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।